आज का जो टॉपिक है ये एमईसीटी के ऊपर मिलने वाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और लोगों के डाउट बहुत बहुत ही ज्यादा है। ये है क्या एक्चुअली में? ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द एमी ब्रदर्स शो एपिसोड 2। और आप लोगों ने एपिसोड 1 को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि आप लोग देखना चाहते हो और नहीं देखना चाहते हो, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया उस पर, तो आई एम क्वाइट हैप्पी। सो आज का जो टॉपिक है वो एमी सिटी के ऊपर होने वाला है। आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए हैं एमी सिटी के ऊपर और आज भी मेरा भाई ज्वाइन करने वाला है, तो जब मैं इंट्रोडक्शन दूंगा तो वो ज्वाइन करेगा। तो आज का जो वीडियो है ये टोटली आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं यूट्यूब पे, आप लोगों ने कमेंट्स में भर भर के कमेंट्स किए हैं और इंस्टाग्राम पे तो खैर डीएम पे डीएम आते जा रहे हैं कि एमी सिटी में इतना रैंक आया है, उतना रैंक आया है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो इसी के ऊपर बात करने के लिए एमी ब्रदर्स शो आज मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और आई होप नेटवर्क वगैरह सही रहे, तो इसमें बहुत मज़ा आएगा बात करने में आप लोग से। तो देखते हैं क्या होता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई ओन ब्रदर हिमांशु रंजन टू ज्वाइन दिस लाइव चैट ऑन इंस्टाग्राम। सो अगर आप भाई देख रहे हो तो प्लीज ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, कम ऑन। कम ऑन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम हिमांशु रंजन, इफ यू आर वॉचिंग मी प्लीज ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। वेटिंग फॉर हिमांशु रंजन। ओके, व्हाट हैपेंड ब्रदर, इज एवरीथिंग गोइंग गुड? यस, एवरीथिंग गोइंग गुड। यस यस यस, एवरीथिंग गोइंग गुड। तो आज का जो टॉपिक है ये एमी सिटी के ऊपर मिलने वाला है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए और लोगों के डाउट बहुत बहुत ही ज्यादा है। ये है क्या एक्चुअली में, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एमी सिटी है क्या। बहुत सारे लोग, अभी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, अगर कमेंट्स पर उल्टा आ रहा है ना, कमेंट्स लैंडस्केप मोड में आ रहा है ना, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है, कमेंट लॉक करते हैं। अब यहाँ पे ना बाहर बैठा हूँ मैं, घर के बाहर बैठा हूँ मैं, बिल्ला अंदर लाइट्स कटी हुई है, तो मैं अभी घर के बाहर बैठा हुआ हूँ, तो बहुत सारी ये आवाज आ रही है ना, अभी ये आवाज आ रहा है, देख रहे हैं, तो मैं कमेंट्स तो पढ़ नहीं सकता हूँ, तो मैं सबको हाय हेलो बोल देता हूँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। क्या अनुमित साउंड आ रहा है पीछे से? हाँ थोड़ा सा डीजे बज रहा है। अरे ये पीछे आ गया, गाना बज रहा है। भोजपुरी बज रहा है क्या? अच्छा चलो, बजने दो, कभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो आज का जो कमेंट है वो कुछ इस तरह से आए हैं, तो मैं थोड़ा कमेंट पढ़ देता हूँ, फिर टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ कि टॉपिक क्यों जानना जरूरी है आप लोग के लिए। और ये वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, तो यूट्यूब पे जो लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे, वो जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो कमेंट्स कुछ इस तरह से आए हैं कि हाय, आई गॉट 2211 रैंक इन एमी, कैन आई गॉट इन टू गुड कॉलेज, कॉलेज की तरफ से इंटरनल स्कॉलरशिप मिलती है क्या? आई एम स्टूडेंट इन दिल्ली हु इज ऑल इंडिया रैंक 448 इन एमी सिटी 2020, व्हिच इंस्टीट्यूट विल बी बेस्ट, आल्सो द रिव्यूज एंड इसी टाइप के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो बेसिकली लोग अभी जानना चाहते हैं एमी सिटी के बारे में, तो एमी सिटी क्या है, किस पे क्या है, क्या नहीं है, वो सब डिस्कस करेंगे। अगर यहां तो, बारिश होने क्या क्या हो गया, बारिश होने लगा, बारिश स्टार्ट हो गया इधर, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर तुमसे भी पूछूंगा कि क्या है इसका, मतलब करना चाहिए या इससे नहीं लेना चाहिए, ठीक है? तो मैं जो भी जनरल है बता देता हूँ कि गाइस, जो लोग भी आप एमी सिटी के बारे में जो पूछ रहे हो, वो ऑल इंडिया रैंक कितना आया है, इतना आया है, सही है, आप सही चीज दियो। एमी सिटी का जो बेसिकली होता है फुल फॉर्म होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मैं बता दूं कि ये कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट करवा रही है, बिकॉज अभी क्या है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एमी में, तो ये Brother, सबसे पहले तो आप लोग को जानना है। ओके, some issues there, हाँ we can do this live afterwards, network issue and network issue. Coming, yeah we can connect afterwards.
ओके गाइस, तो सॉरी देयर मे बी नेटवर्क इशू. सो मैं बोल रहा था कि मे बी ही विल जॉइन अस. मैं बोल रहा था कि जो एमी सिटी है वो कोई गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं है, ना कोई डीजीसीए जो आप जानते हो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा कोई अप्रूव नहीं है, और ये एग्जाम फेक भी नहीं है. मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम है, बहुत लोग का ये गलत फहमी है दिमाग में कि ये एग्जाम फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इस जस्ट एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जो कि कुछ 7 या 8 कॉलेज से टाइप करके एग्जाम कनेक्ट करवा रही है. तो आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जो लोग भी बोल रहे हैं कि मेरा रैंक 10 आया है, रैंक 20 आया है, रैंक 4000 आया है, रैंक 5000 आया है, तो आप लोग को पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये कंपलसरी एग्जाम नहीं है एमी में आने के लिए, जो लोग भी आना चाहते हैं. ठीक है, तो इसका एमी में आने का सब अभी तक जो डीजीसीए के जो तरफ से जो है, जो कि कॉलेज का आप एंट्रेंस एग्जाम दो, अगर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम पास करते हो तब वही एक रास्ता है. एमी सिटी जस्ट एक स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम कनेक्ट करवा रही है, तो वो कंपलसरी नहीं है. उसमें आप बहुत लोग पैनिक होकर पूछ रहे हैं, भाई क्या होगा, मेरा रैंक कम आया है, ज्यादा आया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. आप लोग को जिस स्ट्रीम में भी इंटरेस्ट है, जिस कॉलेज में इंटरेस्ट है, वहां पे आप जाओ और आप डायरेक्टली वहां से कनेक्ट कर सकते हैं. तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं अभी कमेंट्स पढ़ाऊँ आपके सामने कि मेरा रैंक ये है, किस कॉलेज में एडमिशन होगा. सबसे पहले आप लोग वेट कर लो, जिन लोग का अभी रिजल्ट आ गया है एमई सिटी का, तो जिसका रैंक 10 आया है, 4000 आया है, 3000 आया है, 50 आया है, तो आप अब आपको आप वेट करो कि कॉलेज जो है वो एमई सिटी जो है वो कॉलेज का लिस्ट जारी करेगी, उसके हिसाब से आपको रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाएगा. बट अगर आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वो कॉलेज अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो उस रैंक के बेस पे, तो आप खुद से भी उस कॉलेज से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, तो आप उसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और मे बी आपका जो रिजल्ट है वो देख कर वो लोग एडमिशन भी ले सकते हैं. तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए एमी में सिर्फ और सिर्फ, और आपका जो मार्क्स है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, बस सिंपल यही फंडा है. और ओके गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. टाइम रखा था मैंने 3:30 का, बट ड्यू टू माय वॉक मुझे थोड़ा लेट से आना पड़ा, तो मैं 5:30 को आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ. एंड वेलकम बैक टू द एमी ब्रदर्स शो एपिसोड 2. एंड एपिसोड 2 वैसे मैं कल शूट कर लिया था, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम मैं कल उसको एक्सटेंड नहीं कर पाया और भाई से उतना बातचीत नहीं हो पाया. तो आज के वीडियो में, आज के लाइव में सॉरी, मैं बात करूंगा और आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ. सो हेलो सर, हेलो, हाय भाई, हाय हाय, हेलो हेलो टू एवरीबॉडी, प्लीज ज्वाइन फास्ट. एंड मैं अभी बात करूंगा और अपने भाई को इंट्रोड्यूस करूंगा जब ज़्यादा बंदे आ जाएंगे. तो वैसे कल ही मैं लाइव स्टार्ट कर दिया था और बहुत सारा चीज़ आपके साथ शेयर भी किया हूँ. लगभग जितना भी बात था वो एमी सिटी के बारे में मैं आई थी. नाउ इट्स बेटर. तो यस, आज के वीडियो में जस्ट अपन लोग बात करेंगे, मैं और मेरा भाई, जैसा कि शो का नाम है द एमी ब्रदर्स शो, तो उसमें डिस्कशन होगा और क्या करना सही है क्या नहीं है. तो जस्ट अपन लोग बात करेंगे, क्योंकि एमी फील्ड में हूँ तो ये बात करना जरूरी है. हेलो, अभी जॉब पॉसिबिलिटी क्या है सर? अभी तो यार थोड़ा मुश्किल है, बट स्लोली स्लोली इट विल बी फाइन, नो प्रॉब्लम. एंड कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, जस्ट प्लीज बी मोटिवेटेड फॉर ऑल द थिंग दैट वी आर डूइंग. जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप मोटिवेटेड रहो प्लीज. सो हेलो हेलो रमेश, हेलो 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 टू एवरीबॉडी एक्चुअली को, और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है लाइव, तो अभी मैं धीरे धीरे लूंगा. कम लाइव फास्ट, कैसे हो? एंड हेलो हेलो हेलो, हाय भाई कैसे हो? हेलो भाई कैसे हो? थोड़ा थोड़ा फ्रेम ऊपर करो, कैमरा का थोड़ा फ्रेम ऊपर करो. ओके ओके, अब सही है? नाउ इट्स गुड. जब भी हम फील्ड में आते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है. यार ये क्वेश्चन लाइव में किसी ने पूछा था, यूट्यूब पे लाइव करा था. मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ रोहित का. रोहित क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब वो भी है, और दूसरी बात ये कि डिस्टेंट कजिन भी वहाँ पे स्टडी कर रहा है, तो थोड़ा मैंने भी
उनसे ज्यादा प्रेफरेंस लेके उधर ही गया था फिर। नहीं आपके फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह जहाँ हैं जस्ट गिव उसको प्रायोरिटी दीजिए आप लोग और बस मेहनत करो तो आप, जब भी सेशन स्टार्ट होता है। आप कहाँ से कर रहे हो? मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं बीआई पटना। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है आपको? अभी तो ये सब पर्सनल बात करने का टाइम है नहीं तो। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि जैसे अभी तो हम लोग कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए तो क्या हम लोग मतलब घर पे भी कोई ऐसी चीज है जो हम लोग पढ़ सके, मतलब पहले स्टार्टिंग से? हाँ, ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा आप घर पे पढ़ने के लिए आप ये 11th क्लास का जो फिजिक्स होता है सेकंड पार्ट जिसमें बर्नौलीज थ्योरम वगैरह होता है ये पढ़ो, फिर 12th का फर्स्ट पार्ट पढ़ो जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये सब पढ़ाया जाता है। मतलब आप फिजिक्स इसमें पढ़ सकते हो घर बैठ के, अपना फिजिक्स पढ़ो और कुछ कुछ वीडियोस वगैरह देखो प्लेन का, जैसे मतलब एरोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स आप पढ़े होगे तो उसका लॉ वगैरह थर्मोडायनामिक्स पढ़ो, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। तो जैसे अभी मैंने मैंने अभी जैसे यासा के मॉड्यूल 3 की एक बुक डाउनलोड की है एक साइट पे से, मतलब उनके साइट पे से, तो उसका अभी कोई बेनिफिट नहीं होगा। अभी आपको जब तक कोई ट्रेन नहीं करेगा तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो आप ट्राई करो कि पहले बेसिक्स क्लियर करो। अभी तक आपको कोई पढ़ाया नहीं है, कोई कहीं पे आप गए नहीं हो, तो आप ट्राई करो कि थोड़ा सा 11th 12th का बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है उसका लाइव देते हैं। आर यू हैप्पी विद दैट? हाँ हाँ भैया श्योर। चलो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भैया, वेलकम। अभी देखते हैं कौन किसका रिक्वेस्ट आ रहा है। सो रिंकू ऑन बोर्ड, ओके लेट्स ज्वाइन कर लेते हैं रिंकू ऑन बोर्ड भाई को। हेलो यस ब्रदर, हेलो हेलो यस ब्रदर, हेलो कैसे हो? कैसे हो? बस बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ यार, मैं भी बढ़िया हूँ यार। और क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? दिमाग में चल रहा है? दिमाग में चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है कि मतलब क्या चल रहा है भाई? तो ऐसा लगता है ना कि जैसे जब हम फील्ड में आ गए तभी कंपटीशन ज्यादा हो चुका है, यही मैं ही पूछ रहा था बार बार। ये यूट्यूब पे भी कंपटीशन फील नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, तो मजा नहीं आएगा इस फील्ड में। तो फिर कंपटीशन और जैसे इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं हम लोग? मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो बनाने वाला हूँ बेसिक पढ़ना है बस। हाँ बेसिक 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 पढ़ो, अभी पढ़ाया जा रहा है। जैसे अगर आप लिए नहीं हो या नहीं लिए हो? नहीं ले लिया मैंने, मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स है बीटेक प्लस एमई, तो सेकंड ईयर चल रहा है। सही है, तो आप दो लिए हो तो सोचना है कि मेरा मेन प्रायोरिटी कौन है? एमई है, बीटेक हिसाब से आपने डिजाइन कर सकते हैं और कैसे पढ़ना है क्या है, मैं बता चुका हूँ खुल कर देख सकते हो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, मैं नेक्स्ट लेता हूँ। Now Himanshu again joined. Himanshu Ranjan again. Please, please come by fast. Please come by fast. All of you are waiting for you. Now it's good. You are in the garden. That's great. Please, please, please go that side. That side. ये बताओ, initiative क्या है? मतलब अगर थोड़ा सा अगर बताना चाहोगे तो। मैं बताऊं, अगर एमईसीटी जो है ना, बहुत सारे मेरे पास भी डीएम आए थे कि भैया एमईसीटी का मैंने एग्जाम दिया है, मेरा ये रैंक आया है, तो मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूं, कहाँ एडमिशन लूं, कहाँ नहीं लूं, तो क्या ये एमईसीटी कंपलसरी है एग्जाम, ये मतलब कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए? तो मैं बताऊंगा भाई, देखो कॉलेजेस में डायरेक्ट भी एडमिशन होते हैं, कॉलेजेस में एमईसीटी के थ्रू भी एडमिशन होते हैं, तो एमईसीटी देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है? और ना ही इसका कोई डीजीसी से ऑफिशियल है ये, कि ये कोई मतलब डीजीसी कराती है एंट्रेंस एग्जाम, ऐसा होता है ना आईआईटी, वो एक बॉडी कराती है, गवर्नमेंट बॉडी कराती है, होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। एमईसीटी कोई गवर्नमेंट बॉडी एग्जाम नहीं लेती है, ये कुछ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और अपने जो सीट्स है उसके थ्रू फिल करते हैं एमईसीटी के लिए, और स्कॉलरशिप देते हैं, और स्कॉलरशिप देते हैं, और स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया है। वो पीछे कौन आ गया भाई? There is something, someone behind. कौन है? शैलेश भैया। ओके ओके, नमस्ते बोलो उनको। नमस्ते नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते।
तो और ये बोल रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क कि एमी सिटी और डायरेक्ट व्हिच क्या प्रेफर करना चाहिए? फिर से रिपीट करना क्वेश्चन यार, चला गया था, फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। एमी सिटी जस्ट एनी स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू एमी सिटी और डायरेक्ट क्या करना चाहिए अभी जस्ट जिस हिसाब से गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से? और अगर जिसको जैसा मोड मिले एमईसीटी, अगर जो उन्हें कैटेगरीज चाहिए उन्हें अगर डायरेक्ट के थ्रू मिल रहा है तो वो डायरेक्ट के थ्रू ले ले, अगर किसी को जो उनका कैटेगरीज है वो एमईसीटी के थ्रू मिला तो वो एमईसीटी के थ्रू ले ले, बिकॉज फीस में जो है ना वो डायरेक्ट लो या फिर आप एमईसीटी के थ्रू लो, फीसेज जो है वो सेम ही लगेंगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगती है फीस, फीस में डिफरेंस नहीं आता है। और इसमें क्या है कि अगर आपको एमी दे रहे हो, अगर आपका रैंक बढ़िया नहीं आता है तो अगर आपको कोई कॉलेज में मिल रहा है जो कि आपके मनचाहा ब्रांच है तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, और एमई सिटी कंपलसरी नहीं है। तो और बताओ कि मतलब ये मैं क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किया हूँ, मैं दिमाग से वो पूछ रहा हूँ, तो लोग को ये बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि भैया मेरा रैंक अच्छा नहीं आया है। देखो अगर किसी का एमईसीटी में रैंक बढ़िया नहीं आया है, अगर वो डायरेक्ट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन लेने से मना करती है, कॉलेजेस का सारे कॉलेजेस का मैनेजमेंट कोटा भी होता है, ठीक है, जनरल कैटेगरी कुछ का कैटेगरी कोटा होता है, कुछ का मैनेजमेंट कोटा होता है, वो तो कोटा से भी एडमिशन आपका हो सकता है, वो डिपेंड करता है कॉलेजेस पे कि उनके कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स कितनी है और कितनी नहीं है, और उनका क्या क्राइटेरिया है मैनेजमेंट कोटा का। ओके, तो बेसिकली ये मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि क्या है, बट इन केस वही है कि गाइज हर कॉलेज में थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे एक मैं पर्टिकुलर सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कोई भी कॉलेज का, ऐसे कोई भी हर कॉलेज में आप अगर एमईसीटी के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो आप उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दो, और उसमें अगर होता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन मतलब जाओ और हो गया, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा कुछ इंटरव्यू या कुछ एग्जाम टाइप का वो लोग लेते हैं तो उसपे ज्यादा कॉलेज है ना, कुछ कॉलेजेस 12th के मार्क्स से परसेंटेज अभी एडमिशन एडमिशन ले लेते हैं। थिंग इज दैट एमईसीटी कंपलसरी नहीं है बिकॉज़ ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव नहीं है, और भी जितने क्योंकि गाइस आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डीजीसीए के साइट पे होता है, तो डीजीसीए के द्वारा ने एक नोटिस जारी किया था कुछ दिन पहले। ओके, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो भी लोग पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं अभी जस्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसमें बहुत सारे डीएम्स आए हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आए हैं कि मेरा रैंक किया आया है, कॉलेज एडमिशन होगा नहीं होगा, तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि अच्छा मैं आपसे तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है बिहार का, उसको सबसे पहले कहाँ के लिए ट्राई करना चाहिए? जैसे अगर उसके लोकेलिटी में कोई बढ़िया सा कॉलेज है तो वहां का ट्राई कर ले, जैसे अगर बिहार का है तो बिहार में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स है वहां ट्राई कर ले, और अगर ये अगर वहां पे उसको फैसिलिटीज अच्छा नहीं लग रही है, हो सकता है मे बी फीस उसका हायर हो, तो जो उससे अच्छा कॉलेज है, जो उससे मतलब बढ़िया कॉलेज है, जो उसको फीस सुटेबल कर रहा है, बहुत सारे क्राइटेरिया है, बिकॉज एमी और पायलट भी यही है, पायलट में भी आपको कोई बड़ा सा कुछ नहीं चाहिए, आपको सिंपल इंस्टीट्यूट है जहां से अच्छा ट्रेनिंग हो सके, अच्छा आपका 250 घंटे का ट्रेनिंग टाइम पे कंप्लीट हो, वहां भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई एग्जाम होता है, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। मेरे पास एक और बहुत डाउट आ रहे थे कि भैया ये लाइसेंस कब मिलती है, उसके बाद फिर ये हमारा कॉलेज प्लेसमेंट करा रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कॉल मैं चीज क्लियर करता हूँ, अगर कोई भी कॉलेज कह रहा है ना कि वो आपकी प्लेसमेंट कराएगा, मैं नहीं मान सकता, कॉलेजेस सिर्फ आपकी ट्रेनिंग की ले सकती है और प्लेसमेंट की वो कुछ भी गारंटी नहीं ले सकती है, प्लेसमेंट कराएंगी भी वो तो छोटी मोटी किसी में कराएंगे, टोटली आपके कैलिबर पे, आप कितना मॉड्यूल्स क्लियर कर, आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को एक्टिव रख पाओ ड्यूरिंग कोर्स, तो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ कंपनीज आती हैं बट उनको वही लोग सिलेक्ट करते हैं, कंपनी जो ज्यादा यू नो एक्टिव है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो। और कि वो बोल रहे हैं कि हम आपको एयर इंडिया प्लेसमेंट दिला देंगे, इंडिगो प्लेसमेंट दिला देंगे, तो अगर आपको कोई भी कॉलेज कहती है ना कि हम आपको 100% प्लेसमेंट अश्योरेंस देते हैं, वो कॉलेज ये सही नहीं है, और क्योंकि ये क्या है अभी बहुत लोग को अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, तो लोगों को मूर्ख बना, मतलब थोड़ा थोड़ा बोलता है कोई कॉलेज की ऐसा है वैसा है, बट लाइक पायलट आपको जेन्युइन जाना, अगर आपको हाँ जस्ट लाइक पायलट है पायलट हाँ
पायलट की भी कोई प्लेसमेंट नहीं होती है, ठीक है। आप भी अपना सारे पायलट को, अगर आप पायलट कोई अगर पायलटिंग कोर्स कर रहा है तो वो पहले अपने मॉड्यूल्स क्लियर करता है, फिर आरटीआर क्लियर करता है, उसके बाद फिर वो किसी फ्लाइंग क्लब में जाकर के सीपीएल लेता है, लेकिन वो फ्लाइंग क्लब उसको अश्योरेंस नहीं देती है, उसको अश्योरेंस नहीं देती है कि वो आपकी प्लेसमेंट कराएगी। उसके बाद भी आपको आगे की अपनी जो आवर्स है वो कंप्लीट करनी होती है, तभी होता है। पायलट आपने कभी नहीं सुना होगा कि पायलट की प्लेसमेंट हो गई। अगर आप अगर आप कैडेट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तब आपको प्लेसमेंट उस टाइम पे मिलेगी, लेकिन अगर आप ऐसा ही अगर किसी फ्लाइंग क्लब से सीपीएल ले रहे हो तब आपको प्लेसमेंट बिल्कुल ही नहीं मिलती है। सेम एमी में भी है, आप एमी स्टूट से पास करोगे, आपको वहां पे इंटरव्यूज देना पड़ेगा, आपको अपने आर्स कंप्लीट करना पड़ेगा ट्रेनिंग के, उसके बाद ही आपको जो है ना वहां पे किसी आप इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल होगे, क्योंकि इंटरव्यू देने के लिए कम से कम आपको 6 to 7 months प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लाइव एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। यस यस, बिना आप नहीं दे सकते हो आप। तो ये सब बातें हैं, आई होप आप लोग मोटिवेट हुए होंगे इस चीज को लेकर। और जो जो लोग भी डीएम कर रहे हैं, मैं अगर आपका रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ इंस्टाग्राम पे, बिकॉज बहुत सारे लोग का डीएम आ रहा था, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मैं इसके लिए ही डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ ताकि जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, अभी तो बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो जब भी जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आप लोग देख लोगे। तो एनीथिंग वांट टू से अबाउट एमी की, जैसे जो भी एमी में आ रहे हैं उनको क्या क्या प्रिपेयर करके आना चाहिए? पहले तो माइंडसेट अपना प्रिपेयर करके आना चाहिए। बहुत लोग मेरे पास एक और डाउट आ रहा था कि भैया हम क्या एमी कॉलेज से पास आउट होते हैं लाइसेंस मिल जाएगा? भाई एक बात बताओ मेरे को, जिसने भी सवाल पूछा मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, तुम कॉलेज से पास आउट होते, तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, और तुमको तुम्हारे हाथ में साइन करने के लिए दे जाएगा एयरक्राफ्ट, तुम एयरक्राफ्ट साइन करोगे और लोगों की जिंदगी पीछे बोइंग एयरबस A380 एंड चेस्ना एंड A319, तो इसमें से कोई भी नहीं मिलेगा। ओके यस यस, तो ये मैं बोल रहा था कि ये जहाज देख लो आप, इसको साइन करना है आपको, तो बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रॉपर नॉलेज के आपको कोई ये जहाज नहीं देगा, कोई जहाज नहीं देगा। वही तो लोगों की जान के सवाल है, प्लस कम से कम एक एयरक्राफ्ट में अगर आप एयरबस A320 में हो तो कम से कम 180 पैसेंजर्स होते हैं उसमें, 180 के पैसेंजर्स की लाइफ प्लस वो जो एयरक्राफ्ट है वो 400-500 करोड़ की है, तो कोई भी आपको ऐसे साइन करने के लिए नहीं देगा। लाइसेंस मिलने का मतलब आप ऑथोराइज हो गए हो साइन करने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हो उन लोगों के जान के लिए और उस एयरक्राफ्ट के लिए, इसका मतलब ये होता है। लाइसेंस का मतलब आप लाइसेंस का मतलब ये नहीं था कि बहुत लोग बहुत लोग यस बहुत लोग कोर्स को लाइट भी लेंगे, जो लोग नए हैं कि यार बस मस्ती करेंगे, डिग्री करेंगे और हो जाएगा, तो दिस इज नॉट अ डिग्री कोर्स, इज अ कंपटीशन और बढ़ गया है। लाइसेंस में आपके पास जिम्मेदारी होती है, अगर पायलट को भी लाइसेंस मिलता है ना उसमें उसके पास जिम्मेदारी होती है, उसके पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उसके लिए, और हमारे पास जिम्मेदारी होती है उन सब की लाइफ के लिए, तो ऐसे आपको कोई साइन करने के लिए नहीं दिया कि हां ये लो आप एमी का लाइसेंस मिल गया है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये कोविड का जो सिचुएशन है इसमें क्या एमी कोर्स करना सही है? देखो फिलहाल तो कोई भी कोर्स, अगर आप अभी किसी भी कोर्स की बात करोगे सारे कोर्सेज का यही हाल है, ऐसा नहीं है कि एमी है, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे तो एविएशन जो है, जो अभी मतलब एविएशन सेक्टर है या फिर जो टूरिज्म सेक्टर है, जो होटल मैनेजमेंट है, ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे के सारे अभी बहुत हाई इम्पैक्ट इन्हीं पे पड़ा है, तो मेनली हमारा एविएशन सेक्टर पे, लेकिन ये धीरे धीरे जो है वापिस से 1-2 साल पे वापिस से ट्रैक पे आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इस पे थोड़ा सा कुछ ऐड करता हूँ, तो जैसे मैं तुमसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या जो लोग देख रहे हैं उनके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या हमको पायलट बनना है, क्या हमको एमी बनना है, मतलब वही होता है कि सिचुएशन के हिसाब से आप कोर्स चूज मत करो। जैसे मान लो अगर अभी के टाइम में अगर पायलट में जॉब नहीं है, या जो भी है, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या एमी में जॉब नहीं है, बीटेक में ज्यादा जॉब है तो बीटेक कर लेंगे, तो ये क्या है कि अपने इंटरेस्ट को चुनो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि पायलट बनना है तो उस चीज पे आप फोकस करो, तो एक दिन आप जरूर पायलट बनोगे। अगर आप सोचोगे कि अरे अभी तो उसमें कोई स्कोप नहीं है, मैं बन जाता हूँ फैशन डिजाइनर, मैं बन जाता हूँ ग्राफिक डिजाइनर, मैं बन जाता हूँ सिविल इंजीनियर, क्योंकि अभी घर ज्यादा बन रहा है तो ये सोचता है कि अभी घर ज्यादा बन रहा है तो मैं बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग करता हूँ, तो ये चीज नहीं है। द मेन थिंग इज दैट कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए, तो ज्यादा आई थिंक मेरे बात से और लोग भी एग्री करेंगे कि अपने इंटरेस्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ना कि मतलब टाइम के अनुसार चेंज करना अपने आप। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा, तो लॉकडाउन में, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, आप अपने इंटरेस्ट को देखिए। अगर अंदर आपके बोल रहा है, अंदर बोल रहा है मतलब आप अगर अंदर से सोच रहे हो कि मैं कर पाऊंगा, देन यू विल डेफिनेटली। और मैं अपना चैनल जो इंडियन एमी व्लॉग्स है
वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि आपको जो राइट इंफॉर्मेशन है, जो राइट नॉलेज है, वो आपको मिल सके, और आप लोग बहुत सपोर्ट भी कर रहे हो उस चीज को. तो आई एम रियली मोटिवेटेड टू यू नो गिव यू गाइस रियली गुड कंटेंट, और आपको वैल्यू मिले, ताकि मैं अपने चैनल पे कोई फेक बात नहीं करूंगा. जो भी जेन्युइन चीज है पेशेंस है, वो मैं आप लोग के सामने लाता रहता हूँ. तो जस्ट यही मेरा मोटिव है, लाइव आने का ही मोटिव यही है. लाइव आने का मोटिव कुछ और नहीं है, लाइव आने का मोटिव यही है कि आप लोग को जो कमेंट्स कर रहे हो वो सारा कमेंट्स का रिप्लाई देना इज नॉट पॉसिबल. तो बहुत सारे डीएम्स आते हैं ना. लेट मी चेक समवन इज एक्चुअली आई हैव टू गो फॉर माय इवनिंग स्नैक्स. ओके ओके ओके. सो गाइस आई वांट टू से दैट इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन मैसेज हिम आल्सो एंड ही विल आल्सो, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ. तो आप ट्राई करो कि हिमांशु रंजन, व्हाट्स योर आईडी, आई हिमांशु रंजन _20 पे आप मैसेज भी कर सकते हो इसके आईडी पे, तो ही विल आल्सो रिप्लाई, आई विल आल्सो मैनेज टू रिप्लाई. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सो हिमांशु थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन, एंड काफी रिक्वेस्ट के बाद यू हैव जॉइंड दिस, सो आई एम रियली थैंकफुल. एंड बात करने के लिए थैंक यू. और भी लोग का रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, बट अभी मैं जा रहा हूँ, तो मिलते हैं. फिर से कभी नेटवर्क अच्छा होगा ना, इस बार जो लाइव करेंगे ना वो नेटवर्क चेक करके करेंगे, नेटवर्क है या नहीं है, उसके बाद ही लाइव आएंगे. एग्जैक्टली. सो इस एमी ब्रदर्स शो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग एमी ब्रदर्स में, episode 3 में. सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल बट डोंट ट्रबल एनीबॉडी, एंड बाय बाय, टेक केयर, एंड शबक है. ओके बाय बाय. चलो ठीक है, ओके बाय गाइस, सी यू. Bye.